बात करते हैं अयोध्या की, जहां दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1100 रुपए पार होने पर गुलाबबाड़ी तिराहे पर गैस सिलेंडर वितरण केंद्र पर गैस सिलेंडर ले रहे लोगों को महंगाई के विरोध में लोगों को लड्डू खिलाकर भारत के प्रधानमंत्री को बधाई व शुभकामनाएं दी है। पंडित समरजीत ने कहा, आज भाजपा सरकार ने बेतहाशा गैस मूल्य वृद्धि बढ़ाकर देश की गरीब जनता को 100 साल पीछे धकेल दिया है। यही भाजपा सरकार सत्ता में आते ही जनता को गुमराह करने के लिए घर घर गैस सिलेंडर देकर जनता को दिखाए मुंगेरी लाल के सपने। जैसे ही लोगों के घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा, उसी दिन से गैस का दाम सातवें आसमान पर पहुंचने लगा और आज यह स्थिति हो गई है कि महंगाई के बोझ से भारत की गरीब जनता 100 साल पीछे पहुंचकर बाग बगीचे में लकड़ी कंडी बटोरने के लिए मजबूर हो गई है। जहां देश से गरीबी मिटाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज गरीबों को ही मिटाने पर तुल गई है। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार बेतहाशा मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, जिससे आज देश की गरीब जनता भुखमरी के साथ साथ दो पाटों के बीच में पिसती चली जा रही है। यही हमारे देश की गरीब जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। आइए आइए, मुंह मीठा कीजिए, लड्डू खाइए। सिलेंडर पहुंचा 11 पार, आइए 1100 के पार, 1100 के पार। आइए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए, लड्डू खाइए और सिलेंडर ले जाइए। आइए आइए, मुंह मीठा कीजिए, लड्डू खाइए, भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आइए आइए, लकड़ी कंडी बिनवाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दीजिए, घर का चूल्हा बुझवाने के लिए बधाई दीजिए, धन्यवाद दीजिए, लड्डू खाइए, मुंह मीठा कीजिए और भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई भेजिए। हासा गैस मूल्य वृद्धि को लेकर आज हमने समाजवादी पार्टी की तरफ से, जहां लोग गैस खरीदने आ रहे थे, हमने उनको मुँह मीठा कराया और हमने देश के प्रधानमंत्री जी को हर हफ्ते गैस का दाम बढ़ाने के लिए बधाई देने का काम किया। जनता को लूटने का काम कर रहे प्रधानमंत्री जी को बधाई का देने का काम किया और आज हम यही बताना चाहते हैं कि 1100 के पार सिलेंडर पहुंच गया। अब लोग लकड़ी कंडी बीनने के लिए जंगलों में निकल पड़े हैं। बताइए प्रधानमंत्री जी, एक तरफ आपने सुनहरा अवसर सपना दिखाया मुंगेरी लाल का गरीब जनता को, और आज 100 साल पीछे फिर लकड़ी कंडी पर उसी जनता को पहुंचाने का काम किया है। इतनी बड़ी महंगाई के अत्याचार से अब जनता त्रस्त हो चुकी है।